देश की राष्ट्र राजधानी नई दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान में हो रहे दो दिवसीय G20 समिट के पहले दिन कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए। बैठक के पहले दिन के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी देशों ने स्वीकृति भी दे दी। G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी, गरीबी और विवादित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे कई अहम प्रस्तावों को पेश किया गया। अगर बात घोषणा पत्र की करें तो इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सुधार, लो एंड मिडिल इनकम वाले देशों की कर्ज कमजोरियों का प्रबंधन और टैक्स से जानकारी के देने की शुरुआत का आह्वान किया। इसके साथ ही भारत ने अफ्रीकी यूनियन को G20 का नया सदस्य भी बनाया, जिसके बाद अगले साल से G20 G21 कहलाएगा। इसके साथ ही और भी कई अहम फैसले हुए। यूरोप को जोड़ने के लिए रेल कनेक्टिविटी परियोजना का ऐलान किया गया। इसके अलावा G20 नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र में ग्रोथ को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मॉनेटरी, फिस्कल और फाइनेंशियल पॉलिसीज की जरूरत को दोहराया। G20 नेताओं ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF जैसी संस्थाओं की बढ़ती संसाधन जरूरतों को पूरा करने पर भी जोर दिया। नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्रीय बैंक अपने संबंधित आदेशों के हिसाब से प्राइस स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा सदस्य देशों के नेताओं ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज और कुछ न्याय क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा 2027 तक क्रिप्टो संपत्तियों पर टैक्स से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही घोषणा पत्र में कोयला आधारित बिजली, इनसफिशियंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज और एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स में तेजी लाने का आह्वान किया, जिसमें विकासशील देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों के लिए 2030 से पहले करीब $5,800 अरब की आवश्यकता पड़ने की बात कही गई। वहीं 2050 तक दुनिया को नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट हासिल करने के लिए 2030 तक प्रति साल $4,000 अरब के निवेश की जरूरत होगी। इन सभी मुद्दों पर मीटिंग के दौरान चर्चा की गई। इसके साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत करते हुए उसकी निंदा की। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई आपराधिक और अवैध है, चाहे ऐसी कार्रवाई कहीं भी घटित हुई हो और किसी ने भी की हो। शांति के लिए सभी धर्मों की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया जाता है और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जाती है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि युद्धों के शांतिपूर्ण समाधान के साथ साथ कूटनीति और संवाद भी जरूरी है। इसमें यूक्रेन युद्ध के संबंध में बाली में हुई चर्चा को दोहराया गया। इसके साथ ही फूड सिक्योरिटी पर भी बातचीत हुई। G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में इस्तांबुल समझौते और तुर्कियों के प्रयासों को सराहना की गई। इसमें रूस और यूक्रेन से अनाज, खाद्य पदार्थों और फर्टिलाइजर्स की तुरंत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सहमति जताई गई। उन्होंने कहा कि विकासशील और पिछड़े देशों, खासकर की अफ्रीका में इसकी मांग को पूरा करने के लिए ये बेहद जरूरी है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। बता दें कि पिछली बार हुई G20 की बैठक की तुलना में इस बार ज्यादा प्रस्तावों पर सहमति बनी है। पिछले 9 महीनों के दौरान भारत की तरफ से कई प्रस्ताव रखे गए, जिन पर सहमति बन गई। इन सहमतियों को नई दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया है।